नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। उत्तर प्रदेश के 2022 का रण इस बार कई मायनों में खास है, जहां एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश का किला फतेह करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इन सब के अलावा अगर प्रदेश की राजनीति को किसी ने हवा दी है तो हर पार्टी के बागी नेताओं ने, जिसकी वजह से 22 का रण और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यूपी में अगला राजनीतिक दंगल अवध बेल्ट में होने जा रहा है। पांचवें चरण से चुनाव की दिशा पूर्वांचल की तरफ मुड़ जाएगी और इस पूर्वांचल में सत्ता पाने की जुगत में लगी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि सपा ने नए साथियों के साथ पूर्वांचल से उम्मीद का दामन थामा है, लेकिन कई जिलों में साइकिल की राह में अपने ही रोड़ा अटका रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर फूटा असंतोष अब बगावत की शक्ल में सड़क पर सपा के सामने है। दरअसल बीजेपी में सेंधमारी और नए दलों से यारी सपा पर भारी पड़ रही है। सपा को पूर्वांचल में टिकटार्थियों की उम्मीदों से कुछ ज्यादा ही जूझना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन सीटों पर दिख रही है जहां 5 साल से टिकट की उम्मीद में बाट जो रहे उम्मीदवारों की उम्मीद सहयोगी दल या दूसरे दल से आया चेहरा ले गया। यही वजह है कि 8 से 10 जिलों में पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपना ही पुराना कार्यकर्ता ताल ठोक रहा है। आइए आपको पूर्वांचल की उन सीटों का राजनीतिक समीकरण समझाते हैं जिन सीटों पर अपने ही सपा के सामने दावेदारी ठोक रहे हैं। आजमगढ़, शाह आलम ने AIMIM से ठोकी ताल। टिकट की उम्मीद में सपा में शामिल हुए थे शाह आलम, टिकट नहीं मिलने पर AIMIM का दामन थामा। शादाब फातिमा बसपा से मैदान में। कभी सपा सरकार में मंत्री रही थी शादाब फातिमा, अब सपा सुभाषपा गठबंधन के खिलाफ मैदान में उतरी। रुदौली सीट, सपा के पूर्व विधायक अब्बास अली ने बसपा से ठोकी ताल। सपा से टिकट नहीं मिलने पर की बगावत। बहरहाल सपा के लिए अब पूर्वांचल की डगर कठिन है, क्योंकि अपने ही अपनों के खिलाफ दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में किसी मशहूर शायर की शायरी याद आती है और शायद सपा मुखिया भी इस वक्त यही कह रहे होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अब आगे आप खुद ही समझ गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।